उज्जैन के बक्सी रोड पर हरसोदन ग्राम पंचायत क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की प्रदेश प्रभारी कविता पाटीदार का स्वागत किया गया और फिर शाल श्रीफल से सम्मानित किया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा। साथ ही आने वाले कार्यक्रमों पर भी रूपरेखा तैयार की गई और विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। तो पानी की सप्लाई लाइन जा रही है, कितना क्षेत्र छूट रहा है और छूटने से अब क्या दिक्कतें आएंगी और क्या समस्या आई किसानों को? नर्मदा सिंचाई योजना की जो पाइपलाइन जा रही है ये घटिया विधानसभा के करीब करीब 80% गांव छूट रहे हैं। इसमें इधर कराना विधानसभा के लगभग पूर्ण हो चुके हैं और उधर दक्षिण विधानसभा में भी लाइन पूरी हो चुकी। तो घटिया विधानसभा का कोई मालिक नहीं, विधायक नहीं, इसका कोई सुनने वाला नहीं, कोई मंत्री सक्री कोई सुनता नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि घटिया विधानसभा जो गांव छूटे लगभग ये 100-150 के लगभग गांव छूट रहे, तो इसके लिए अलग से कोई योजना सरकार को, शिवराज जी सरकार को बना के ना प्रस्तुत करना चाहिए। नहीं भाऊजी, ये तो स्वीकृत करने वाला मामला है। अगर ये अधिकारी चाहते या सरकार अगर चाहती तो इस पाइप का 30 किलोमीटर तक का दायरा बढ़ा सकते थे कि 30 किलोमीटर इस तरफ पानी जा सकता है और 30 किलोमीटर इस तरफ। कुछ समय पहले ऐसा सुनने में आया था कि दूसरा फेज जो तराना के लिए मतलब योजना मंजूर हुई उसके बाद अब घटिया विधानसभा वाला क्षेत्र जो छूट रहा था वो प्रस्तावित था, पर बीच में जो कमलनाथ सरकार के आने के कारण ये योजना ठप हो गई और अभी तक उसका कोई मालूम नहीं। करीब कितने गांव छूट जाएंगे यहाँ पर? करीब 150 के आसपास गांव छूट रहे, कुछ देवास विधानसभा के और बाकी सब घटिया विधानसभा के, उज्जैन तहसील के और घटिया तहसील के गाँव। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।